गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है गुरु का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। कैसे एक गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा हमारी जिंदगी बदल देती है। आखिर गुरु कौन है? क्या हम सिर्फ उसे गुरु मानते हैं जो हमें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता है? गुरु वो है जो आपको अच्छी शिक्षा देता है, आपको सबकी भलाई और सबके साथ प्यार से रहने की शिक्षा देता है और आपको हमेशा अच्छी सीख देता है। इंसान का पहला गुरु उसकी माता पिता और उसका परिवार होता है। माता पिता उसे चलना बोलना खाना खाना सिखाते हैं। जो आपको अच्छा ज्ञान दे उस गुरु का स्थान ऊंचा है। गुरु की महत्वता उसके ज्ञान से पहचाननी चाहिए और किसी भी चीज से गुरु की तुलना नहीं करनी चाहिए। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त है। भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में रही है। आज हमारी कहानी भी गुरु को लेकर है कि कैसे एक गुरु की दी हुई शिक्षा एक इंसान के जीवन को बदल सकती है, उसकी सोच को बदल सकती है। कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न किया था। दुखों की दुनिया में जीना लेकिन उसी से मुक्ति का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी तुम्हें सबसे सुखी है, तुम्हें लगता है कि वो सबसे सुख है, उसके पास वो कभी परेशान नहीं हुआ, उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य चला गया। एक घर में जाकर पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि मैं क्या कहूँ, ऐसी स्थिति में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ, मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया। दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो अपनी पत्नी की वजह से परेशान हूँ, ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कहीं जाकर साधु बन जाऊं। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और के घर जाओ। वह आदमी तीसरे घर गया, चौथे घर गया, किसी की पत्नी के पास गया तो अपने पति से परेशान है, पति के पास गया तो अपनी पत्नी से परेशान है, पिता के पास गया तो अपने पुत्र को बदमाश बताता है और पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से खुद को दुखी बताता है। सैकड़ों हजारों घरों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार उसे जूते मिलना तो दूर, उसके खुद के जूते भी घिस गए। शाम को वह गुरु के पास आया और बोला, मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, न तो कोई सुखी मिला और न ही सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा, लोग क्यों दुखी हैं, उन्हें किस बात का दुख है? उसने कहा, किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से दुखी है तो कोई पुत्र से परेशान है, आज हर आदमी दूसरे आदमी के कारण दुख भोग रहा है। गुरु ने बताया, सुख का सूत्र है दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो, प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो दूसरों से नहीं, जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो, खुद को सुनो खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज बात तो आपकी सत्य है लेकिन यही आप मुझे सुबह बता देते तो फिर मुझे इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ते, मेरे जूते घिस गए चलते चलते, आपने बात सुबह क्यों बताई? गुरु ने कहा, अगर ये बात मैं तुझे सुबह बता देता तो तू ये बात हरगिज नहीं मानता, जब तूने स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबको देख लिया, सबके चक्कर लगा लिए, अब तेरी बात ही समझ में आ चुकी है और ये बात अब तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पहले खुद को समझो, खुद की कमियों को दूर करो, दूसरों को देखकर अपने रास्ते बदलोगे तो सारी जिंदगी अपने रास्ते बनाने में ही निकाल दोगे, कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। खुद पर विश्वास करो, मेहनत करो, खुद की मेहनत से किया हुआ काम इंसान कभी नहीं भूलता। खुद की सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद।